फ्रेंड, फॉल्सिंग करने से पहले वाटर लेवल निकालना पड़ता है। वाटर लेवल निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर वाटर लेवल नहीं निकालेंगे तो रूम आधा टेढ़ा दिखता है। मगर अब तक मैं देखा हूँ कि वाटर लेवल निकालने के लिए दो आदमी लगते हैं, मगर मैं आज आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप अकेले ही वाटर लेवल निकाल सकते हैं। अगर किसी साइड पर फंसे हैं या आपके साथ में कोई नहीं है तो आप अकेले निकाल सकते हैं। जी हाँ, मैं हूँ शासन और आप देख रहे हैं सिलिंग आर्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो एंड तक देखें। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के हमको नए नए वीडियो अपडेट मिलता रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। तो आइए और शुरू करें। सबसे पहले आपको जिस रूम में वाटर लेवल निकालना है उस रूम में एक टेबल लीजिए। टेबल के ऊपर एक बाल्टी में पानी भरिए और अपने लेवल पाइप में पानी पहले निकाल दीजिए। मैं तो पहले से भरा हुआ था, दो आदमी निकालने जा रहे थे लेकिन बताने के लिए मैं फिर वापस उसे वो लेवल पाइप में एक पत्थर हो या कुलोखन हो जो उसे डुबो के रखें, तो मैंने ऐसे किया है। और याद रहे कि आपको लेबल जब डुबोते हैं उसके बाद में आपको पानी कहीं गिरना नहीं चाहिए, लेबल आउट हो जाएगा आपका, तो रख दीजिए। और उसी एक जगह रखने के बाद में आप एक कोने से दूसरा कोना, तीसरा कोना, इसी तरह से आपको चल चल के लगा लेना है। और उसके बाद में आप चाहें तो दो आदमी लगा के चेक कर सकते हैं। मेरी गारंटी है कि दो आदमी पकड़ेंगे तो उसमें आउट हो सकता है, लेकिन इसमें कभी आउट नहीं होगा। आपका लेबल एकदम परफेक्ट आएगा। आप अकेले बिंदास कहीं भी किसी भी जगह आप लगा सकते हैं। आप ट्राई करके देख लीजिए। मैंने ट्राई किया है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या है। वो आप तो देख चुके हैं। एक रूम में, जिस रूम में आपको लेबल निकालना है उस पर टेबल लीजिए। टेबल के ऊपर अपना लेबल पाइप उसमें डुबा के खींच लीजिए। वापस जितने निकालना है उसी हिसाब से आपको पूरे रूम में घूम घूम के निकाल लेना है। याद रहे कि पानी आपको कहीं गिरे ना। अगर पानी गिर गया तो वाटर लेवल आपका आउट हो जाएगा। तो ये था सबसे अच्छा ट्रिक जो अकेले आप वाटर लेवल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आप पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप इसी तरह कोई और वीडियो चाहते हैं बनाने के लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो थैंक यू।